अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब मेंटर मैजिक। आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, MTS 301, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पार्शियल डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले। फर्दर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको 6 वाले लेक्चर में करवाए थे, मगर उनमें से कुछ जो थे वो रह चुके थे, जो कि आपको तकरीबन समझ नहीं आए होंगे। जिसमें से ये दो क्वेश्चन है, ये मैं आपको सबसे पहले लेक्चर नंबर 7 करवाने से पहले ये क्वेश्चन बताता देता हूँ कि किस तरह किए हैं। ये देखें, जी जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो इसमें ये देखें कोस का जो है साइन आ जाएगा। अब जब हम इसमें अब जी ऑफ एक्स हम फाइंड कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो जो वाई वाली वैल्यू एक्स के साथ होगी वो एज इट इज ही आ जाएगी। अलग अलग वैल्यू हो, जब अलग वैल्यू होती है तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसे लिखते ही नहीं है। जब एक्स के साथ कोई वाई की वैल्यू होगी तो वो एज इट इज ही आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आ गया है कोज की, ये देखें जब कोज एक्स का जो फॉर्मूला आता है, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लें जब कोज एक्स का, जब हम कोज एक्स का लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है माइनस साइन, माइनस ये देखें माइनस साइन जो है साइन एक्स, हमारे पास आंसर आएगा इसका कोस का। कोस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है, और साइन का कोस होता है। तो इसमें कोस है हमारे पास, तो इसका माइनस साइन आ गया, उसके साथ इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू ये आ गई है। अब जो वैल्यू है उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स की पावर 5 और y की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। तो नीचे हम जब जाएंगे तो इसका ये जो पहले लिखा हुआ है ये माइनस साइन, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह समझ नहीं आनी, ये हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें ये मेरे पास है माइनस साइन एक्स 5 और y 4 जो है वो ये साइड पे आ गया है, और स्टार्टिंग पे ये एक्स को जब हमने सोल्व किया एक्स की पावर जो है स्टार्ट पे आ गई 5, और जो एक्स है उसमें से एक माइनस हो गया, ये पावर स्टार्ट पे आ गई, इसमें पावर रूल लगा है, पावर स्टार्ट पे आ गई और पावर में से एक लेस कर दिया है हमने। 5 में से जब हम एक लेस करेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो इसी तरह ये वाला पावर वाला जो है वो स्टार्ट पे आ गया, साइन बाद में उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने वाई की वैल्यू निकाली है, माइनस साइन अब हमारे पास आ गया है। तो जब हमने माइनस साइन इसी तरह आया है कोस की, हमने जब डेरिवेटिव लिया माइनस साइन आ गया और एक्स वाली वैल्यू हमारे साथ ही आ गई। अब जो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव दोबारा से लिया, और जो देखे वाई के ऊपर है 4 स्टार पे आ गया और 4 में से एक लेस, तो y की वैल्यू होगी 3। तो ये हमारे पास ये आंसर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और एग्जाम्पल जिसके साथ आप अच्छे से समझ आ सके। तो हमारे पास है w की, हमने w ओवर x निकालना है, w ओवर y और फिर z निकालना है। तो इसको हम किस तरह निकालेंगे ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जब तक प्रैक्टिकल ना करें तो बच्चों को समझ नहीं आती। तो इसमें जब w ओवर x निकालेंगे तो हम x की पावर, ये देखें 2x है, x की पावर 2 है, 2 स्टार्ट पे आ गया और x साथ आ गया, 2 में से एक माइनस करेंगे तो x 1 आ जाएगा। तो x के साथ 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस लिखेंगे तो ये 0 हो ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये लिखा ही नहीं जाएगा, z वाला भी नहीं लिखा जाएगा, और इसमें x जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस y और z इसमें लिखा जाएगा। अब सेकंड में जब y ओवर w ओवर y करेंगे तो इसमें 3 के आगे ये देखें, ये जो 3 वाली वैल्यू है इसको रेज कर देता हूँ, ये सेकंड नंबर पे जब y की ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसमें है 3x y की पावर 2, जो y की पावर 2 है वो स्टार पे आ जाएगी, जो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 3 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टार्ट पे आके 6 आ जाएगा और y ऐसे ही आ जाएगा। फिर माइनस इसका भी 0 वैल्यू आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा, x की वैल्यू भी कुछ नहीं आएगी। तो इसमें
अब y नहीं आएगा, x और z आएगा। अब नीचे ऐसे ही है, z नहीं आएगा, x y आएगा, और z में जो है 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 और 8 आ जाएगा, 8z आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास, ये तीनों ही आंसर हमारे पास आ जाएंगे, w ओवर x, w ओवर y, w ओवर z। उसके बाद हम 7 वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको फर्दर दो क्वेश्चन बताऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इसमें पूछ बताया गया है, z इक्वल टू f ऑफ x एंड y। किस तरह हम फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट ऑफ x इज डिनोटेड बाय। तो इसमें z ओवर x आ गया, फिर हमारे पास f ऑफ x आ गया। जब हम x x की रिस्पेक्ट से करेंगे, जब हम y की रिस्पेक्ट से करेंगे, तो z और y और f ऑफ y आएगा। फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स की एक इफ दी रेशियो, अगर रेशियो होगी तो उसमें हमारे पास ये देखें एक वैल्यू है, तो इसको हम x की x रिस्पेक्ट से कैसे लिखेंगे और y की रिस्पेक्ट से कैसे लिखेंगे। तो x की रिस्पेक्ट से इस तरह लिखेंगे और y की रिस्पेक्ट से इस तरह लिखेंगे। तो नीचे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, एफ ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें हमने एफ ऑफ एक्स भी फाइंड करना है, एफ ऑफ वाई भी फाइंड करना है। सबसे पहले इन्होंने एफ ऑफ एक्स फाइंड किया है ये, तो इसमें हमारे पास आ जाता है एक्स कोस वाई प्लस वाई ई एक्स। तो इसमें जो है एक्स जब फाइंड करेंगे, तो एक्स के साथ जब ये एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, और कोज इसी तरह ही नीचे आ जाएगा। फिर हम वाई की वैल्यू के साथ एक्स है, वाई एज इट इज आ जाएगा, और जब हम ई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ई एक्स इसी तरह नीचे आ जाएगा। फिर हमने दोबारा से एफ ऑफ वाई लेना है एक्स के साथ, ये एक्स वाला जो है इसका एफ ऑफ वाई लेना है। तो इसमें अब जो कोज वाई है, ये दोबारा से रेज करके दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके। ये देखें कोज वाई जो है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे वाई के साथ, तो इसका माइनस साइन वाई आ जाएगा। उसके बाद प्लस, जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई के साथ जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, और ई एक्स इसी तरह आ जाएगा। अब हमने इसका जो है, हमने एक्स की निस्बत से डबल जो है डेरिवेटिव लेना है। ये देखें ये डबल डेरिवेटिव, इस एक्स के ऊपर 2 है, पहले हमने ये सिंपल लिया है, अब हम डबल लेंगे इस वाले आंसर का। हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन वाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ई, ये देखें हम एक्स के साथ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है दोबारा से। ये हमारे पास वैल्यू है कोस, सॉरी वो मैंने गलत बता दिया है, अब दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारे पास एक वैल्यू है कोस वाई प्लस वाई, ये सही नहीं लिखा गया, वाई ई की पावर एक्स है हमारे पास। ये वाली वैल्यू जो है ये मैंने इस तरफ लिख दी है, मैं स्क्रीन पर जूम करके भी ये वैल्यू लिख दूंगा। अब इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, इसमें जो कोज वाई है ये निगलेक्ट हो जाएगा, और ई एक्स हम एक्स का फाइंड कर रहे हैं, तो वाई ई एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया है। फिर एफ ऑफ एक्स वाई हमने फाइंड करना है, तो इसमें वाई फाइंड करना है तो माइनस एक्स, तो इसी तरह ये नीचे नीचे आंसर आ रहे हैं। तो आपने ये खुद सॉल्व करना है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ भी आए, ये ना हो कि आपको मैं समझाई जाऊं आपको कुछ समझ ना आए। तो नीचे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, ये मैं आपको सोल्व करके कुछ दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास ये वैल्यू है ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर वाई कोस एक्स। तो इसमें अब हमने फाइंड किया है एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड की है, तो ई ओवर एक्स जो है ये
एक्स की वैल्यू है, तो ये इसी तरह आ गई और साइन वाई इसके साथ कॉन्स्टेंट की तौर पे आ गया है। फिर हमारे पास आ जाता है ई की पावर वाई, ये इसी तरह आ गया, और कोज का जब हमने कोज एक्स का डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन आ गया, तो टोटल हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए, आपको अच्छे से समझ आए। तो ये हमारे पास आ गया। फिर हमने इसका दोबारा से एक बार डेरिवेटिव लिया, एक्स का ही दोबारा से डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास ई की पावर एक्स वैसे ही आ गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का जब डेरिवेटिव लें तो ई की पावर एक्स ही दोबारा से आ जाता है। तो हमारे पास कॉन्स्टेंट के तौर पे साइन वाई आ गया माइनस ई की पावर वाई जो है ये इसी तरह कॉन्स्टेंट के तौर पे आया, और कोज का जो है वो हमने साइन का जो है वो कोज हमने डेरिवेटिव लिख दिया। तो हमारे पास एक आंसर बता देता हूँ, एक आंसर ये आया है, एक्स का डबल कंप्लीमेंट लिया तो ये आंसर आ गया है। फिर हमने एफ ऑफ वाई फाइंड करना है, एफ ऑफ वाई की निस्बत से वाई अब फाइंड करना है, तो ई की पावर एक्स हमारे पास कॉन्स्टेंट के तौर पे आ गई और कोज वाई जो है ये साइन का, साइन वाई का आंसर कोज वाई आ गया, प्लस ई की पावर वाई जो है इसी तरह डेरिवेटिव लिया ई की पावर वाई का लिया तो ई की पावर वाई आंसर आ गया। अब कोज एक्स इसकी इसके साथ कॉन्स्टेंट के तौर पे आ गया है, तो इसको रेस तमाम को कर देता हूँ। नेक्स्ट इसका दोबारा से हमने डबल कंप्लीमेंट डेरिवेटिव लेना है। जब हम दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे और दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो अब हमारे पास जो ई की पावर एक्स है, हम वाई का कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो ई की पावर एक्स है ये कॉन्स्टेंट के तौर पे नीचे आ जाएगा और कोस का हम माइनस साइन वाई लिख देंगे, और प्लस ई की पावर वाई है ये ई की पावर वाई का इसी तरह एज इट इज आ गया है। डेरिवेटिव ई की पावर वाई का भी लें तो ई की पावर वाई ही आंसर आता है। ठीक है, और कोस एक्स जो है कॉन्स्टेंट के तौर पे आ गया है नीचे। एडिंग बोथ पार्शियल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी हैव, तो इसमें इन्होंने फर्स्ट जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू का आंसर और ये वाली वैल्यू का आंसर जो है उसको माइनस करके तो जीरो आंसर ले आए हैं। नीचे है अलर, और नीचे जो है हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ये नेक्स्ट के साथ ही आपको बताऊंगा, इसमें बता दिया फिर आप बोल जाएंगे ये वाला फॉर्मूला नेक्स्ट जो लेक्चर है उसी में आपको अच्छे से बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगी। ये लेक्चर इतना ही था, इसमें जो कुछ बता दिया ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ये आपने दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस इसकी करनी है। इस लेक्चर में इतना ही, अपने दोस्तों से ये लेक्चर शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।